हेलो दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल सेफ्टी लवर्स में स्वागत है। आपने किसी भी इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन सॉकेट पैनल बॉक्स देखा होगा, तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको उसमें क्या क्या चेक करना होता है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप उस पर जो भी चेकलिस्ट है उस पर कॉन्टेक्ट का नाम लिखेंगे, कौन सा नंबर है वो लिखेंगे, कौन सी तारीख को आप चेक कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आपका स्टैंड है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो स्टैंड है वो उसका प्रॉपर ग्राउटिंग होना चाहिए। जो स्टैंड का लेंथ है वो अप्रॉक्स 1 मीटर होना चाहिए। उसके ऊपर सैड प्रोवाइडेड होना चाहिए ताकि रेन वाटर से बच सके। जो भी ऑथराइज्ड ऑपरेटर है उसका नाम, उसके कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, पहले कब इंस्पेक्शन किया वो उस पर लिखा होना चाहिए। वोल्ट मीटर और एमीटर प्रॉपरली उसमें रीडिंग दिखा रहा हो, उसका नीडल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इनपुट और आउटपुट केबल प्रॉपरली दिखी होनी चाहिए, वो किसी अदर केबल के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। लोटो सिस्टम यूज करना चाहिए, लॉग आउट और टेक आउट। सेपरेट एमसीबी होना चाहिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सब सेपरेट सॉकेट के लिए सेपरेट एमसीबी। सेफ्टी साइन और हजार्ड साइन प्रोवाइडेड होनी चाहिए। जो इसका स्टैंड है इसकी अर्थिंग और ये बॉक्स दोनों का अर्थिंग होना चाहिए। ईएलसी भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए, यदि 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट है तो वो ट्रिप होना चाहिए। हाइलम सीट प्रोवाइडेड होनी चाहिए, हाइलम सीट ये दोस्तों ये ब्राउन कलर की जो सीट दिख रहा है ये हाइलम सीट है और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। स्विच बोर्ड में भी अपन इसको काम में लेते हैं। प्रेजेंस एंड कंडीशन ऑफ बस बार, दोस्तों जो बस बार होती है वो एक्चुअली एक स्ट्रिप होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो उसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक होगा तो इसमें स्पार्क क्रिएट होगा और फायर हजार्ड क्रिएट होगा। दोस्तों कंडीशन ऑफ केबल, पावर सॉकेट एंड प्लग विदाउट डैमेज, जो आपका सॉकेट है ये बिना डैमेज के होनी चाहिए। कलर कोडिंग ऑफ RYB ऑफ केबल्स, सभी जो कलर कोडिंग है वो फॉलो होनी चाहिए, रेड येलो ब्लू। और प्रेजेंस ऑफ रबर मेट, जो ऑपरेटर है उसके काम करने के लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके सामने रबर मैट होना चाहिए। और जो भी मशीन यूज हो रही है उस पर पिन टॉप की सहायता से उसको काम में लेवें। और दोस्तों इसके साथ में फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइडेड होना चाहिए जस्ट नियर डिस्टेंस पे। और जो इलेक्ट्रिकल जितने भी कंप्लाइंसेज है इनके ऊपर अपन CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। आसपास कहीं फायर हजार्ड नहीं होना चाहिए, एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो भी सेफ्टी इंचार्ज साइन चेक करेगा उसके साइन होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए और कौन सी तारीख को उसने चेक किया। थैंक यू दोस्तों, जय सुरक्षा।